आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर, 24/7 खबर आप तक। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से। विकासखंड रिसिया के अंतर्गत ग्राम मोहरबा में आज दिनांक 8/3/2020 शाम 7 बजे से करीब मोहरबा में काना गौशाला स्थल का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में मुख्य अतिथि रूप में आए हुए ननपारा से एसडीएम सीओ ननपारा उनके साथ में उनकी टीम बल के साथ मौजूद रही। कई वरिष्ठ पत्रकार बीते श्री राम विलास लोधी जी, अशोक जायसवाल, जिला पंचायत पंकज डॉक्टर श्रीवास्तव मटेरा, संदीप जायसवाल, राम निवास जायसवाल जिला मंत्री बीजेपी बहरेच, अलोक अग्रवाल जिला मंडल अध्यक्ष मटेरा, ग्राम प्रधान धर्मराज व उनके बड़े भाई नंद जायसवाल जी द्वित में हुआ यह कार्यक्रम। कार्यक्रम में भंडारे में भी आयोजन किया गया। 6 बजे से रात करीब 11 बजे तक का भंडारा चला। 9 बजे से आल्हा का प्रोग्राम हुआ। कार्यक्रम में देखने के लिए मौजे से बहुत सारे लोग आए हुए थे। सिराजुद्दीन खान की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे धर्मराज जायसवाल जी कृपया सत्यप्रकाश गुप्ता जी को माला पहना करके सम्मानित करेंगे। सत्यप्रकाश गुप्ता जी को हमारे क्षेत्र के कचहरी ननपारा के इंस्पेक्टर साहब, जो अभी कुछ ही दिन पहले उनका स्थानांतरण हुआ है, मैं अपने क्षेत्र का क्षेत्रीय अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इतने गौ माता के सम्मान में और भारत माँ के सम्मान में झूठी बात करके जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरा नहीं जो भावों से, हरा नहीं जो भावों से, पहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, जो लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज बहुत इस ग्राम सभा का सौभाग्य है कि हमारे ही गांव में गौशाला का निर्माण हुआ है, कन्हैया गौशाला। देखिए, गौपाला, भगवान कृष्ण का नाम गौपाला, गौ पालते थे इसीलिए उनका नाम गौपाला पड़ा है। और ये बहुत खुशी की बात है, आप लोग आए हैं और आप लोग आशीर्वाद दें। उद्घाटन के बारे में बताया जाए कि उद्घाटन के कौन कौन से मुख्य अतिथि थे। आज ग्राम सभा मोहरबा में गौशाला का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के प्रतिनिधि अशोक जायसवाल जी यहाँ उपस्थित थे, और जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल जी उपस्थित थे, और जिला पंचायत सदस्य पंकज जायसवाल जी उपस्थित थे, राम निवास जायसवाल जिला महामंत्री थे, और हमारे जिले से चल करके काफी लोग यहाँ पे प्रदेश लखनऊ से भी कितने लोग आए थे यहाँ पे,
शासन के नेता भी लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है पूरे मंडल विधानसभा के जिला बहराइच के लोग यहाँ उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में आकर के सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया और समय दिया। और इसी में हमारे उपजिलाधिकारी महोदय नानपारा, क्षेत्राधिकारी महोदय नानपारा एवं पुलिस बल क्षेत्रीय मटेरा के और नानपारा के दोनों लोग यहाँ पे उपस्थित रहे और मोहरबा इस गौशाला के उद्घाटन में काफ़ी भीड़ थी, पूरे क्षेत्र के पूरे जन समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे, पूरा जन सैलाब उभर आया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी हमारे द्वारा, जिसको लोगों ने यहाँ पे आकर के और यहाँ पे उद्घाटन किया गया गौशाले का कि जो भी यहाँ पे हमारे गांव के क्षेत्र की जो भी गौशालाएँ होंगी, जो हमारी गौ माताएँ इधर उधर भटक रही हैं, उनको यहाँ पे आश्रय दिया जाएगा और उनके खान पान की व्यवस्था सरकार के मंसारूप किया जाएगा। यहाँ पे देख रेख के लिए सरकार के द्वारा जो भी रखे जाएंगे उनको यहाँ पे व्यवस्था की दी जाएगी और उनके खाने पीने और चारे पानी की व्यवस्था यहाँ समस्या और यही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे गौशाले का उद्घाटन किया गया जिससे गौशाले का नाम क्या रखा गया? कान्हा आश्रय गौशाला। हमने देखा कि भंडारे का भी इस गौशाला के उद्घाटन के ऊपर भंडारे का भी आयोजन किया गया। हाँ, गौशाला के ऊपर हम लोगों ने अपने तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें पूरे समस्त क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे और भंडारे में शामिल हुए। सेवा सबसे बढ़कर के सेवा है। आज जो लोग वायरस से पीड़ित हो, हम चाहते हैं कि गौशाला में आए रहें, यहाँ जो सेवा होगा गौ माता का तो सेवा होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग हैं अपने घर में एक एक गौ पालें और गौ पालक बने, गौ माता का सेवा करें और जिस देश में गंगा बहती है देखिए हम लोग जयकारा लगाते हैं, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, धरती माता की जय। अगर हम गौ पाले तो धरती माँ उपजाऊ होगी और जब धरती माँ उपजाऊ होगी धन उपजेगा, अच्छी फसल होगी। एक गाय अगर लोग पाले हैं तो अपना उसके गाय से गोबर होता है कि 5 बीघा खेत एक गाय से आप जो है खाद डाल करके और गाय का गोबर जो है ये खाद में बहुत बहुत उपजाऊ जमीन हो जाती है। अगर लोग गौ नहीं पालेंगे, गौ की सेवा नहीं करेंगे तो ये धरती जो है बंजर हो जाएगी। गौ का वो इस धरती का और गंगा का तीनों का अटूट संबंध है, तो इसलिए ये हम प्रधान को और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अच्छा एक योजना चलाई है, गांव गांव में गौशाला बने, जो गाय हम लोग गौ माता कहते हैं लेकिन कुछ लोग इन्हीं को आवारा कहते हैं, तो मैं जो लोग आवारा कहते हैं उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको सदबुद्धि दें कि गौ माता को आवारा ना करें क्योंकि वो हमारी माता। सम्मान के नज़र से देखा जाए, उनकी सेवा किया जाए और जो लोग आवारा कहते हैं उनका मैं तो सरकार के जो सरकार की मंशा है वो मंशा के अनुरूप सारे काम। एक चीज बताया जाए, ये कब तक के उम्मीद है? बस इसी सत्र में जैसे गेहूँ का कटान होगा जी, भूसा की व्यवस्था हो जाएगी, बस गौशाला स्टार्ट ही है। ये तो उद्घाटन हो गया, गौशाला स्टार्ट हो गया। अभी जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि चारे और पानी वानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था हो गई, चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था हो गई। तो गेहूं के फसल के बाद में यहाँ पे गौ माता को लाया जाएगा, उसकी जो भी अनुसार व्यवस्था किया जाएगा जी, उसके बाद गौ माता जो इधर उधर टहल रही है घूम रही है उनको हम लोग ला करके यही गौशाला में उनको पाला जाएगा। जैसे जाए ये काम तौर पे बोले, जैसे जो भी छुट्टी गाय हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ छुट्टे जानवर जो भी घूम रहे हैं, मतलब एक ऐसे आपको उदाहरण हमने दिया कि जैसे
ये जो छुट्टे जानवर इधर उधर घूम रहे हैं उसी को पकड़ के यहाँ पे लेके जाया जाए, उसी को पकड़ के लेके आया जाएगा। ठीक है, बस यही चीज पूछना था कि जैसे कि जिस जिसके घर में है उनसे तो कोई मतलब है नहीं, वो तो अपने अपने दरवाजे पाले हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, पाले हैं लोग। मैं अनुरोध करता हूँ छुट्टे जानवर घूम रहे हैं सब लोग पाले गऊ, और जो छुट्टे जानवर घूम रहे हैं उनको लाया जाएगा गौशाला में उनकी सेवा हो। सही चीज, अच्छा कार्यक्रम हुआ है, गौशाला का जो निर्माण हुआ है बहुत अच्छा है, धरती धन्य हो गई है इस पावन धरती पे जो है गौशाला का निर्माण हुआ है। गौशाला की कुछ टीम गठित हुई है कि नहीं, गौशाला की टीम गठित हुई है, टीम गठित हुई है, टीम गठित हुई है, बत्री की समिति के पास है। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको